हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, यहाँ आपको क्या है कि एक सम है 8600 रुपया, मतलब 8600 रुपये, ठीक है। इसको पेड बैक करना है दो इक्वल इंस्टॉलमेंट पे। तो कहा इसी में आपको फाइंड आउट करना है कि हाउ मच इच इंस्टॉलमेंट, कितना होगा प्रत्येक इंस्टॉलमेंट इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट जो कंपाउंडेड है और 15% पर एनम लग रहा है। तो देखिए, इंटरेस्ट कितना है 15%। आप 15% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िएगा तो क्या आ जाएगा, 3/20 मीन्स। तो देखिए, आपको ये 20 क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है। और 3 आप ऐड कर दीजिए तो आप क्या हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। तो देखिए, यहाँ लिखते हैं फर्स्ट ईयर का, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर का यहाँ प्रिंसिपल, यहाँ क्या है अमाउंट। तो देखिए, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल आपका कितना था, 20 रुपया, ठीक है। आप दे कितना रहे हैं, 20 में 3 आपको इंटरेस्ट के रूप में देना पड़ रहा है, तो आपको 3 ये अमाउंट हो गया। अमाउंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों ऐड रहता है। तो देखिए, ये तो आपको पहले साल में आप दिए। अब दूसरे साल में आप क्या कीजिएगा, देखिए सेकेंड ईयर का देखिए। और सेकेंड ईयर का निकालने के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप जो पहले साल का जो आप प्रिंसिपल है आप इसी का स्क्वायर कर दीजिए। तो स्क्वायर कीजिएगा तो 400 आ जाएगा, और 23 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 529 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे आपको यहाँ क्वेश्चन में आपको गिवेन है कि जो अमाउंट आप जो पेमेंट कर रहे हैं ना, दोनों साल का ये और ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो देखिए, ये तो दोनों अनइक्वल है, तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी आप पूरे इक्वेशन में 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। तो देखिए, ये 23 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको यहाँ ये निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 460, ये कितना आ जाएगा, 529। तो देखिए, अब देखिए, ये सेकंड ईयर का था, ये फर्स्ट ईयर का है। देखिए, दोनों का क्या हो गया, इंस्टॉलमेंट बराबर हो गया। तो देखिए, अब जो आपका अमाउंट है, मूल है, आपका मूलधन है, ये कितना हो गया, 860 हो गया। और ये आपको यहाँ 860 जो आपको ये है, ये गिवन है कितना, 8600 रुपया के बराबर, 8600 रुपया के बराबर गिवन है। तो यहाँ से आप एक का वैल्यू निकालिएगा तो आपको 10 रुपया के बराबर आ जाएगा। और आपको निकालना कितना है इंस्टॉलमेंट, ये 529 का निकालना है। तो आप 529 का निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 5290 रुपया आपका। ये रहा दोनों का इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये रहा आंसर। तो चलिए, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ क्वेश्चन में है कि दो ट्रेन है, ठीक है। एक का स्पीड 50 किलोमीटर बराबर है, दूसरे का 30 किलोमीटर बराबर है। तो इसमें क्या करना है, आपको लेंथ ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन निकालना है, ठीक है। और कंडीशन है कि जो द फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉसेस मैन सिटिंग इन ए स्लोअर ट्रेन इन 18 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए, आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इन टू टाइम। अब ये डिस्टेंस क्या ले, देखिए इसको आप समझिए। देखिए, ये कोई स्लोअर ट्रेन है और ये कोई फास्टर ट्रेन है, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी, देखिए ये स्लोअर ट्रेन है, ये फास्टर ट्रेन है, एक दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। तो देखिए, इसमें कोई इंसान बैठा होगा, इसको ये ओवरटेक करेगा, मींस। तो देखिए, आपका ये फास्टर ट्रेन तो यहाँ निकल गया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, देखिए ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, यहाँ था, इसको ओवरटेक किया तो कितना किया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, जो लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन के बराबर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो देखिए, डिस्टेंस क्या हो गया, लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन। और स्पीड क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों का स्पीड आप माइनस कर दीजिएगा, 50 माइनस 30। और यहाँ क्या है कि ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप इसे मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 15/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपका यहाँ टाइम आपका 18 सेकंड गिवन भी है, तो 18 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से 20 25 100, मतलब आपका यहाँ 100 मीटर लेंथ ऑफ फास्ट ट्रेन निकल गया। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ आपका कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 ईयर्स एट 4% पर एनम 102 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए, आपको 2%, 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कंबाइंड फॉर्म में, तो आप यहाँ सीधा फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, रेट ऑफ CI फॉर 2 ईयर्स। देखिए क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। तो देखिए, आपका एक्स ये पहले साल का होता है
और ये बाय क्या था, दूसरे साल का था। देखिए यहाँ दोनों साल का 4% है, तो 4 + 4 + 16/100, तो यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, मतलब 8.16 जो परसेंट है आपका कितने के बराबर है, 102 रुपया के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको 100% पे निकाल देंगे, ये 100% पे निकाल देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, जो कि ये कितना निकल के आ जाएगा, 1250 रुपया। ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा, ये पी हो गया आपको। अब इसी पी पर हमको SI निकालना है, तो SI बराबर क्या होता है, PRT/100। तो पी आपका कितना है, 1250, आर आपका कितना है 4%, और ये टाइम कितना है, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो देखिए अपॉन 100। तो यहाँ से आपको SI निकल के आ जाएगा, कितना आपको निकल के आ जाएगा, SI आपको 100 रुपीज़ आ जाएगा। तो ये आपका रहा आंसर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ गिवेन है कि दो पाइप है, कैन फिल अ स्मॉल टैंक इन 8 hours and 7 hours। तो देखिए पाइप ए है और एक बी है, ठीक है, ये कितना 7 hours में भर रहा है और ये कितना 8 hours में भर रहा है। तो ये दोनों का आप LCM लीजिएगा, जो कि टोटल वर्क हो जाएगा वो 56 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल वर्क 56 है और ए कितना 7 आवर ले रहा है, तो एक घंटा में कितना भरेगा, 7 × 56, इतना यूनिट पर आवर। और इसी तरह आप 56 यूनिट टोटल है, बी के 8 आवर लग रहा है, तो एक घंटा में कितना करेगा, 7 यूनिट पर आवर। तो देखिए यहाँ से अब दोनों मिलके कितना करेंगे, 8 और 7 = 15, मतलब 15 यूनिट वो कितने करेंगे, 1 आवर में करेंगे। तो आपको टोटल यहाँ पर 56 यूनिट करवाना है, तो देखिए 56 यूनिट ही कितने देर में करेंगे, 1/15 × 56। ठीक है, लेकिन आगे आप क्वेश्चन में आप देखिएगा तो यहाँ मिनट में डील करना है, तो आप इसे मिनट में आप कन्वर्ट कीजिए ताकि फ्रैक्शन वैल्यू में आंसर नहीं आए। तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करके हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 15 × 60, तो मीन्स आपको यहाँ क्या आ जाएगा, मतलब ये लोग को 224 मिनट लगेंगे काम करने में। ठीक है, ए और बी को मिल के भरेंगे विदाउट लीकेज। ठीक है मीन्स, तो देखिए अब यहाँ से आपको यहाँ से एक इक्वेशन मिल गया कि ए प्लस बी मिल के 224 मिनट लगेगा इसको काम करने में विदाउट लीकेज है। ठीक है, विदाउट लीकेज है। ठीक है, लेकिन अब लीकेज हो गया, अब लीकेज होने के कारण अब देखिए ए प्लस बी अब माइनस करती हैं, लीकेज होने के कारण इसको 16 मिनट मोड लगता है। तो देखिए 16 मिनट मोड है, तो 224 में 16 ऑड ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 240, मतलब अब इसको इतना मिनट लगेंगे। ठीक है, तो इसी में आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि हाउ मच टाइम लीकेज, मतलब ये लीकेज के द्वारा कितना टाइम में पूरे टैंक को खाली कर दिया जाएगा। तो देखिए आप यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, देखिए ये स्टेप फर्स्ट का था, ये स्टेप सेकंड का हो जाएगा। तब इसका हम इसका टोटल वर्क निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3360। तो मीन्स देखिए यहाँ देखिए ए और बी 224 यूनिट पर मिनट कर रहे हैं, टोटल काम हमारा कितना है, 3360, तो एक मिनट में कितना करेंगे, ये 15 करेंगे। और ये इसी तरह आप 3360 में 240 से डिवीजन कीजिएगा, तो ये तीनों के द्वारा मिलके एक मिनट में 14 यूनिट किया जाएंगे। तो देखिए यहाँ से आपको क्या निकल के आ जाएगा, लीकेज क्या आ जाएगा, देखिए ए प्लस बी माइनस लीकेज मिल के कितना कर रहे हैं, तो देखिए ये 14 है। ठीक है, और ए अभी अकेले मिलके कितना कर रहा है, 15 कर रहे थे, आप 15 − लीकेज = 14 कर दीजिए, तो आपको लीकेज बराबर कितना आ जाएगा, लीकेज कितना करेगा, 1 यूनिट पर मिनट लीकेज के द्वारा काम किया जाएगा। तो देखिए लीकेज के द्वारा हम लीकेज का एफिशिएंसी उसकी निकाल लें, उसकी कैपेसिटी निकाल लें, तो देखिए 1 यूनिट ये 1 मिनट में कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये टोटल यहाँ वर्क कितना है, 3360 यूनिट, तो 3360 यूनिट वो कितने दिन में करेगा, 3360 मिनट में करेगा, लेकिन आपको यहाँ आवर में देना है, तो आप इसे 60 से डिवीजन कर दीजिएगा, तो आपको ये कन्वर्ट हो जाएगा आवर में, तो यहाँ से आपको 56 आवर्स आपका आंसर निकल के आएगा।
ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपको क्या गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट अकर्ड ऑन अमाउंट 10,000 एट 20% पर एनएम इन 2 ईयर्स इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखिए हाफ ईयरली बोला गया है, तो देखिए आपको तो 20% क्या लग रहा है, ईयरली लग रहा है, ठीक है, ये 20% क्या है, ईयरली है, तो आप इसको हाफ ईयरली है तो सबसे पहले इसको 10% कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 20% ये कितना अगर ईयरली के हिसाब से लगेगा तो ये कितना लगेगा, 2 बार लगेगा, लेकिन हाफ ईयरली है तो 10% अब कितनी बार लगेगा, ये 10% ये 4 बार अब लगेगा, ठीक है। तो देखिए आप जैसे हम अभी पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, दोनों का हम कम्बाइंड रेट इस दोनों का निकाल लेंगे, फिर इस दोनों का निकालेंगे, तो इस दोनों का कम्बाइंड आपको 21 आएगा, इस दोनों का कम्बाइंड 21 आएगा रेट। अब ये दोनों का आप कम्बाइंड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 46.46%, ठीक है। तो आपको क्या ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 10,000 पे, तो देखिए आप ये 10,000 का जो ये आपका रेट आपको इतना देना है 46.41%, तो आप 10,000 का 46.41% निकाल दीजिए तो ये आपको निकल के आ जाएगा आंसर। तो देखिए 10,000 का 46.41% आप निकालिएगा तो परसेंटेज का नीचे 100 और दशमलव का हटाएंगे तो नीचे भी 100, तो देखिए यहाँ से आपको ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, मीन्स आपका 6,041 रुपया आपका क्या लगेगा, CI निकलेगा, इंटरेस्ट होगा आपको, ये आपका रहा आंसर। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए ये कुछ सवाल आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।